काफी हर्ज हो गया है और हमारा कोर्स ही नहीं कम्प्लीट हो रहा, हालांकि जो है कुछ लेक्चर जो थे वो डिफिकल्ट थे, लंबे थे, तो हमें जो है वो उसको दो दो में करके पढ़ना पड़ा। ठीक है, इसलिए ये आपका मेकअप लेक्चर है ताकि आपका कोर्स फिनिश हो सके। ओके मैम, लेकिन ये सुबह लेक्चर पढ़नी है, सीओपीडी वाला? सीओपीडी वाला सिर्फ ए सेक्शन में पढ़ा है, सी और डी ने तो नहीं, मतलब बी और सी ने तो नहीं पढ़ा। मैंने ए सेक्शन को इसलिए लिंक भेजा है कि अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो दोबारा ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज अगर समझ आ गई है तो आप नहीं आए। अच्छा मैम, ओके मैम। मैम एक चीज आपसे पूछनी थी। पूछिए मैम। एक्चुअली ना कहते हैं आपको एक चीज बतानी भी थी कि मैम देखिए हमारे ना क्लैशेस बहुत आ रहे हैं, तीन तीन सब्जेक्ट्स के चार चार, कुछ बच्चों के चार चार क्लैशेस भी आ रहे हैं। और अब मैम आप एचओ की डेट भी हमें फाइनल बता दें, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि अब देखिए 2 अगस्त को हमारे एससीपी का भी है और उसके आपने कहा ना 2 से लेकर 20 अगस्त में आप कोई डेट बताएंगी, तो उनमें बीच में हमारे सारे वाइवर्स हैं, तो इस तरह तो क्लैश आ रहा है काफी बच्चों का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी, तो आपकी पैथों के साथ भी हो जाएगा, तो आप फाइनली एक एग्जैक्ट डेट बता दें हमें। बेटा आप परेशानी नहीं लें, मैंने पहले आपके साथ कभी कोई जाती नहीं की इस किस्म की कि आपके दो दो तीन तीन वाइवाज एक दिन में, मेरी वजह से नहीं होंगे इंशाल्लाह, आपको ट्रस्ट होना चाहिए पहले सारा हमारा। यस मैम, आपका तो है, लेकिन मैम वो बाकी टीचर्स का वो है ना, वो चेंज नहीं करेंगे, इस वजह से हम लोग कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं, हमने वाइवा इसीलिए पहले रखा है कि उस वक्त फाइनल के साथ वाइवा जो है वो सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो है वो जो भी मैं आपको डेट बताऊंगी वो आपके जो है वो इस चीज को सामने रख के बताई जाएगी। ठीक है, आप परेशान ना हो। मैम हमारे ना थेरा का और कहते हैं फार्मा का और जो है इसका मॉलिक्यूलर का, मैम इन तीनों के ना क्लैश आ रहे हैं, तो अब हमें बताएं हम क्या करें। बेटा आप उनके रिसोर्स पर्सन से कहें और मुझे भी उनके नाम भेजें, मैं उनसे कहती हूँ कि आप। मैम हमने मेल किए हैं, मैम हमने इतनी मेल्स किए, कोई मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा, फिर हमारे वाइवा वाले दिन आ जाएगा तो फिर हम लोग उस वक्त क्या करेंगे। हम लोगों को तो उसकी परेशानी लगी हुई है, हम किसकी तैयारी पहले करें, हमें ये भी नहीं पता कि हम मॉलिक्यूलर की करें या थेरा की करें। किन तीन सब्जेक्ट्स के एक ही दिन है मैम? थेरा का, मॉलिक्यूलर का और इसका फार्मा का। मैम कुछ बच्चों का ना रेडियो के साथ भी क्लैश आ रहा है। मैम हमारा एससीपी के साथ जो है ना मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का एससीपी के साथ क्लैश आ रहा है। मैम काइंडली या तो ये लोग ऐसे करते कि हम एक डेट शीट बनाकर देते और सारे उसमें जो है वो टीचर्स अपना अपना डेट्स अकॉर्डिंग टू एक एक दो दो दिन में पूरे वाइवाज हमारे एक पूरे स्केड्यूल के साथ होते हैं। ऐसे तो हम हर टीचर को मेल कर रहे हैं कि हमारा इस दिन वाइवा है, वो टीचर नहीं सुनता, वो कहता है आप दूसरे को बोलें वो कंपेंसेट करें, तो हम तो फिर तैयारी नहीं कर सकते ऐसे। और मैम दूसरा, हम लोगों को हर दफा डेट शीट प्रोवाइड होती थी, इस दफा हम लोगों को डेट शीट नहीं प्रोवाइड की गई, इस तरह तो कोई भी नहीं, कुछ किसी बच्चे का क्लैश आ रहा है, किसी बच्चे का क्लैश नहीं आ रहा, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज में, हम किस किस को बोले। अच्छा बेटा आपका ये जो सारा मसला है ना, मैं डॉक्टर नवीद से डिस्कस कर लेती हूँ। यस मैम, हम सिर्फ नान को मेल करते हैं, वो एक भी मेल का रिप्लाई नहीं करते, मैम कायनात भी नहीं करती, और फिर आप लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटर्स को करें, तो कोऑर्डिनेटर्स तो आगे कोऑर्डिनेट ही नहीं करते, आगे एक भी रिप्लाई नहीं करते मेल का। यस मैम, यही सही बोल रही है मैम, या तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स बदल दिए जाएं, क्योंकि ये लोग तो कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो फिर ये किस चीज के लिए कोऑर्डिनेटर्स रखे गए हैं। अच्छा बेटा आपने अपना मसला क्या बताया है कि एक दिन में आपके तीन वाइवा हैं, थेरा का और मैम मॉलिक्यूलर का, थेरा का और एससीपी का क्लैश आ रहा है, और रेडियो का भी क्लैश आ रहा है। मैम आप लोग डेट शीट बना के हम लोग को दे दें वो ज्यादा सही है। मैम काइंडली डेट शीट बना दें, उसमें पूरा एक स्केड्यूल बनाएं कि इस दिन ये वाइवा और ये स्केच सेक्शंस का वाइवा है। हाँ जी, अपना प्रॉब्लम बोलें बेटा, प्रॉब्लम बोलें, शाबाश।
हमारा 9, 10, 11 को तीनों दिन वाइवा, और अब हम पढ़ेंगे क्या 9, 10, 11 को वाइवा देके आके? मैम देखिए हमारा ना थेरा का क्लैश आ रहा है उसके साथ, रेडियो के साथ। अब 10th को हमारा मैम महीनचांद का वाइवा है, और 9, 10th और 11th को थेरा की मैम ने रख दिए वाइवा, ठीक है। अब हमें ये भी नहीं पता कि कौन, मतलब लिस्ट भी नहीं आई कि इस नेम के अल्फाबेट के बच्चे 9th को देंगे 10th को देंगे। हमें ये पता हो तो हमें वो भी एग्जैक्ट पता लग जाए, वो भी नहीं पता कि 10th को है कि 9th को है कि 11th को है। तो ये दो का क्लैश आ रहा है, एससीपी का क्लैश आ रहा है हमारा मॉलिक्यूलर के साथ, और कुछ बच्चों का जो है फार्मा का क्लैश आ रहा है, फिजिक्स का और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्लैश आ रहा है। और आपको वाइवा की डेट शीट दी जाए, डेट शीट के बगैर आपको बहुत मुश्किल पेश आ रही है, और आपके वाइवा के जो डेज हैं वो उनके क्लैशेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, यही इशू है। यस मैम, यस मैम। और मैम एक, मैम एक वाइवा देख के हटते हैं तो बिल्कुल उसके अगले दिन दूसरा वाइवा, तो मैम हम लोग उसकी भी तो, हम लोगों ने उसको रिविजन तो करनी है ना एटलीस्ट, तो हमें तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा उसके लिए। यस मैम, डेट्स भी बढ़वा दें अगस्त तक। मैम कम से कम, कम से कम 15 अगस्त तक, सारे कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक होना चाहिए ना, कम से कम एक दिन का गैप तो होना चाहिए ना हर वाइवा में, बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो कम से कम वो तो होना चाहिए। 20th अगस्त मैम एक रिक्वेस्ट ये है कि बस हमारा सेमेस्टर और लेट ना कर लिएगा बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलिए आप प्लीज हम ये अपना कोर्स खत्म कर लें, कोर्स खत्म करेंगे तो हम ये सारी चीजें भी करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपका ये लेक्चर रखा है, फिर मैं रिकॉर्डिंग सबको भेज देती हूँ, एक आध मेकअप लेक्चर लेके इस वीक में हम बेटा कोर्स तो खत्म करें ना, ताकि हम जो है वो और कुछ करने वाले बने, ठीक है। यस मैम, मैम लेकिन आप काइंडली ना हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको कहें कि कम से कम हमारी मेल्स का रिप्लाई तो किया करें, हम लोग इतनी मेल्स करते हैं किसी की भी रिप्लाई नहीं आता। अच्छा चलें ठीक है, ये भी कह देते हैं, ये भी कह देते हैं, आप फिक्र ना करें। सुबह ही ये जो है ना डॉक्टर नवीद को आपका ये सारा मसला अभी मैं उनको वॉइस मैसेज कर देती हूँ, मैंने आपका थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया इशू, मैं आपको अभी उन तक पहुँचा देती हूँ, और अगर वो मुझे कोई अच्छी बात बताएंगे तो मैं आपको ईमेल कर दूंगी, ठीक है। परेशानी हो आप, और मेरे सेमेस्टर लेट वाला पॉइंट भी रख लीजिएगा ज़हन में बस। तो लेट होना ही नहीं चाहिए ना बेटा, पहले ही आपका जो टाइम है वो। यस मैम, अगर ये लेट होगा ना फिर अगले वाले सेमेस्टर भी सब लेट होंगे हमारे। लेट करना ना बेटा, यही तो बात है, सेमेस्टर नहीं लेट करना, आप देख नहीं रहे कैसे भाग भाग के सेमेस्टर पूरा कराया जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो सीओपीडी और एस्थमा आज हम पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज सीओपीडी एंड व्हाट इज एस्थमा, ठीक है। सीओपीडी स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिजीजेस, एम्फाइजीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइजीमा एक लेदर डिजीज है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक लेदर डिजीज है, लेकिन हम इनको सीओपीडी बना के इकट्ठा पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो मरीज होते हैं उनमें एक ही लंग में सीओपीडी का कुछ पोर्शन में सीओपीडी होती है और कुछ पोर्शन में एम्फाइजीमा होता है, ठीक है। तो बोथ ऑफ द डिजीजेस दे को एग्जिस्ट इन द सेम पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ज्यादातर ऐसा होता है, या ये हो सकता है कि एम्फाइजीमा ज्यादा लंग जो है उसमें एम्फाइजीमा और थोड़ा पोर्शन जो है उसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, या ज्यादा पोर्शन में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और थोड़े पोर्शन में एम्फाइजीमा, लेकिन बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बोथ ऑफ दीज डिजीजेस दे को एग्जिस्ट, that is why we study them as the same entity called COPD, chronic obstructive pulmonary disease, ठीक है। तो इसके बारे में important बात ये है कि patient को air hunger होती है, ये जो COPD की disease है ये progressive है, ये damage आगे ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाता है, क्योंकि जो भी causative factors हैं उनसे अगर अगर patient को दूर नहीं किया जाएगा तो damage जो है वो बढ़ता 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 चला जाएगा, इसकी कोई cure available नहीं है, symptomatic treatment सिर्फ available है जिससे patient के symptoms, patient की quality of life बेहतर की जा सकती है, breathlessness और जो भी उसके problem है वो थोड़ी हद तक हल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि इसको cure किया जा सकता है तो नहीं, इसकी कोई permanent cure available नहीं है, बिकॉज इट causes परमानेंट लंग डैमेज, ठीक है जी। ये परमानेंट लंग डैमेज जो लंग डैमेज सीओपीडी करता है, एम्फाइजीमा प्लस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दोनों डिजीजेस मिलके जो लंग के साथ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन लंग में करती हैं, दैट इज नॉट रिवर्सिबल, दैट इज नॉट क्योरेबल, दैट इज ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कैन बी गिवन एंड द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी मेड बेटर एंड द पेशेंट सिम्टम्स कैन बी रिजॉल्व टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। तो एक तो ये बात आप समझ लें, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रिवेंटेबल है, इसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं अगर उनको हम कंट्रोल कर सकें समहाउ तो वी कैन प्रिवेंट इट। अच्छा, अब ब्रोंकाइटिस का आपको पता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकस या मेजर ब्रोंकस, आपको पता है कि ऊपर लेरिंग्स के बाद जो है वो एक मेजर ब्रोंकस है और उसके बाद राइट और लेफ्ट ट्रेकिया है सॉरी, और फिर वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होता है और फिर आगे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स
जैसे जैसे छोटी होती जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी से आपको ये पता है, ठीक है, कि इस तरह से जो रेस्पिरेटरी हमारा ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री है, ये एक उल्टे ट्री की तरह है ना, तो ये जो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री है इसकी एनाटमी आपको सबको पता है, ठीक है। तो इसकी इन्फ्लामेशन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इसकी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो हर ब्रोंकाइटिस को हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नहीं कह सकते, वो तो जब भी सर्दियां आती हैं पेशेंट को एलर्जिक रिनाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, कई सारे पेशेंट इसका शिकार होते हैं, लोग इसका शिकार होते हैं। तो क्या हर ब्रोंकाइटिस, हर इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है? नहीं, इसके लिए एक सर्टन क्राइटेरिया है। वो सर्टन क्राइटेरिया क्या है कि दो चीज़ें होनी चाहिए, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के साइन सिम्टम्स और एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन, ये दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, ये दो चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। दूसरा, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन सा क्राइटेरिया जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पूरा करेगा तो हम उसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहेंगे, अदरवाइज वो सिंपल ब्रोंकाइटिस होगा, एक्यूट ब्रोंकाइटिस होगा। प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ फॉर 3 consecutive months फॉर 2 consecutive years, ठीक है, ये क्राइटेरिया जब पेशेंट पूरा करेगा तो ही और शी इज अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, फिर हम उसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लेबल करेंगे। इसका क्या मतलब है कि पेशेंट को 2020 में भी 3 महीने के लिए क्रॉनिक प्रोडक्टिव ऑफ स्पूटम कफ थी और 2021 में भी कंजेक्यूटिव 3 months के लिए मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक, यानी ये नहीं जरूरी कि पूरा हफ्ता ही क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज जो है वीक के उसमें पेशेंट को क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ हो, ये एपिसोड 3 माह तक चले और अगले साल फिर 3 माह तक चले, 2 consecutive years में पेशेंट को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तब क्राइटेरिया पूरा होता है, तब हम इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लेबल करेंगे। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद आ जाए एम्फाइजीमा के, व्हाट इज एम्फाइजीमा। सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आपको समझ आ जानी चाहिए कि इट्स अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन, एंड द क्राइटेरिया फॉर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ फॉर 3 consecutive months फॉर 2 consecutive years फॉर मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, तब हम उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहेंगे। अच्छा, अब एम्फाइजीमा क्या है, ये बिल्कुल सेपरेट और डिफरेंट डिजीज़ है, लेकिन ये दोनों डिजीज़ एक ही लंग में मोस्ट ऑफ द टाइम को एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम इसको COPD इकट्ठा पढ़ते हैं। एम्फाइजीमा इज करेक्टराइज बाई डैमेज टू स्मॉल एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो हैं वो बड़े नाजुक कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर नॉर्मल जो पेशेंट स्मोक नहीं करते उनके एल्वियोलाई के अंदर थोड़े बहुत न्यूट्रोफिल्स और थोड़े बहुत मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं ताकि अगर इनहेल्ड एयर में कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो उसका मुकाबला किया जा सके। तो जो लोग स्मोक करते हैं या एयर पोल्यूशन एक्सेसिव का शिकार होते हैं या जिनका जेनेटिक मेकअप अच्छा नहीं है या जिनको चाइल्डहुड इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, उनके लंग में खासतौर पर इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्मोकिंग है। स्मोकर्स लंग में क्या होता है कि इस धुएं को बर्दाश्त करने की ब्रोंकाई और लंग में सकत नहीं होती, तो जिस तरह बैक्टीरिया और वायरस का मुकाबला करने के लिए WBCs आते हैं, इसी तरह न्यूट्रोफिल्स स्मोक का मुकाबला करने के लिए स्मोकर लंग में एल्वियोलाई में आते हैं, वहां आके वो अपना प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, डीग्रेनुलेशन उनकी होती है, तो उनके अंदर ढेर सारे जो इलास्टेज एंजाइम होते हैं, इलास्टेज एंजाइम कनेक्टिव टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खा जाते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स में से बाहर निकल आते हैं और एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को, एल्वियोलर वॉल्स को, एल्वियोलर कैपिलरी की वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और लंग की इलास्टिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी लंग की इलास्टिसिटी, जैसे एक नई सॉक्स होती है तो उसमें कितनी इलास्टिसिटी होती है, उसको आप पहनते हैं वो बड़ी अच्छी फिटेड होती है, ठीक है, लेकिन वही सॉक्स जब पुरानी हो जाती है तो वो बिल्कुल लूज हो जाती है और उसकी इलास्टिसिटी जो है वो बिल्कुल लॉस हो जाता है उसका, ठीक है। तो इसी तरह लंग जो है वो एक नॉर्मल लंग बड़ा अच्छा कंप्लायंस उसमें होती है, वो इन्फ्लेशन में जो है वो इन्फ्लेट करता है, जब इंस्पिरेशन में और एक्सपायरेशन में डिफ्लेट करता है और बड़ी अच्छी चेस्ट मूवमेंट्स होती हैं कंप्लायंट लंग में सांस लेने की वजह से, ठीक है। एम्फाइजीमा में क्या होता है कि एयर एंट्रैपमेंट होती है लंग के अंदर, लंग की कंप्लायंस, लंग की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, लंग कंप्लायंस कम हो जाती है, लंग की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, एयर अंदर आती है और ट्रैप हो जाती है, लंग में इतनी इलास्टिसिटी नहीं रहती कि वो वापस प्रॉपर एक्सपायरेशन में सारी एयर को बाहर निकाल सके। सो एयर की जो एंट्रैपमेंट है वो एल्वियोलाई में और लंग के अंदर जो है वो रह जाती है, ठीक है। इस मसले की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसियस एक्सचेंज है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है, और पेशेंट जो है क्रॉनिक कफ के साथ प्रेजेंट करता है। So these are the different diseases, chronic bronchitis and emphysema.
अच्छा अब इसके कॉजेज पे आ जाए, सबसे बड़ी कॉज तो, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो स्मोकिंग है, 80-90% केसेस में स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल। उसके अलावा क्या चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल स्मोक है, एयर पोल्यूशन है, केमिकल गैसेस, वेपर्स, फ्यूम्स, डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ग्रेन, आप सब ने फार्मर्स लंग के बारे में सुना होगा, हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बचपन में बार बार उसको बच्चे को मीजल्स होते रहे, ट्यूबरक्लोसिस होता रहा, निमोनिया होता रहा, चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार होते रहे, जेनेटिक मेकअप अच्छा नहीं है, इंक्रीजिंग एज के साथ पल्मोनरी डिफेंस मैकेनिज्म वीक होते हैं, तो इसके साथ जो है वो नेचुरली इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन थोड़ी बहुत लंग में टाइम टू टाइम चलती रहती है, तो दिस इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। सो लेकिन ये आप जहन में रखें कि मेन जो पॉजिटिव फैक्टर या एजेंट है वो COPD में स्मोकिंग है, 80-90% केसेज में लॉन्ग टर्म स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर COPD। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो इतने वो नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका भी रोल हो सकता है, बट द मेन थिंग विच कैन बी प्रिवेंटेबल एज वेल, स्मोकिंग नहीं करें COPD नहीं होगी, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये जो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इनको अगर हम कंट्रोल करें तो वी कैन प्रिवेंट, हम COPD से बच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये फ्लो शीट है जो आप पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगी, अभी समझ में नहीं आएगी, एनी हाउ हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। टोबैको स्मोक या एयर पोल्यूशन से मसला क्या होता है, इस चीज को बर्दाश्त करने की हमारे लंग में, हमारे ब्रोंकाई में सकत जो है वो नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको स्मोक और पोल्यूशन बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने तो उसको इसलिए बनाया कि साफ सुथरी एयर हम इनहेल करें और उसमें से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में डिफ्यूज करें और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आके तो उसको हम एक्सहेल करते हैं, उसका ये मकसद है। उसका ये मकसद नहीं है कि स्मोक को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करें 24 घंटे और एयर पोल्यूटेड एयर को जो है वो एब्जॉर्ब करें, इस चीज के लिए लंग डिजाइन ही नहीं है। तो जब हमें फिर एयर पोल्यूशन और केमिकल गैसेस और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर और ग्रेन डस्ट और स्मोकिंग खास तौर पे मिलती है तो इट कॉजेज इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, जिससे पेशेंट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का शिकार हो सकता है, ब्रोंकियल वॉल एडिमा हो जाता है, म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जब भी हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो उसकी इरिटेशन होगी, वी विल एक्सपीरियंस कफ, ठीक है, और ये सारी चीजें मिलके ब्रोंकोस्पैज्म कर देती हैं। ब्रोंकाई के ब्रोंकियल वॉल में स्मूथ मसल्स होते हैं, आपको पता है, उनका स्पैज्म हो जाने की वजह से, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाने की वजह से ब्रोंकियल डायमीटर, फिर जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, स्पैज्म में चले जाएंगे स्मूथ मसल्स, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जब हो जाएगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसी तंग जो सांस की नालियां हैं उनमें से मरीज ये सांस तो नहीं ले सकता, और एयर ट्रैपिंग, इससे सांस आएगा भी नहीं, वापस भी प्रॉपर नहीं जाएगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों डिस्टर्ब होंगी, एयर ट्रैपिंग होगी, डिस्निया होगा, और इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से सीलिया तबाह हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फ्रीक्वेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन होंगे, ठीक है। और जाहिर है जब लंग फंक्शन सारा डिस्टर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर ऑफ गैसेज है वो भी डिस्टर्ब होगा, हाइपोक्सीमिया होगा, ऑक्सीजन लेवल्स आर लो इन द ब्लड, हाइपोवेंटिलेशन, वेंटिलेशन प्रॉपरली पेशेंट नहीं कर सकता। आपको पता है जब भी राइट हार्ट खराब होगा, जब भी जो है लंग्स खराब होंगे, दैट कैन अफेक्ट द राइट हार्ट। तो लंग्स की पैथोलॉजी जो लॉन्ग टर्म होती है, वाइड स्प्रेड होती है, वो कोर पल्मोनेल यानी राइट हार्ट फेलियर कर सकती है। अच्छा, ये तो अब टोबैको स्मोक ने किया है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इस सीक्वेंस से। जो है वो एम्फाइजीमा कैसे करेगा, देर इज एन एंजाइम अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जो कि इलास्टेज एंजाइम्स को के लेवल को मेंटेन रखता है, उनको अपनी हद में रखता है, उनकी एक्टिविटी को लिमिट करता है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन। लेकिन जिन लोगों में ये एंजाइम नहीं होता उनमें इलास्टेज एंजाइम ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, उनके एल्वियोलाई में इलास्टेज एंजाइम ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। वो इलास्टेज एंजाइम एक्टिव होकर क्या करते हैं, वो एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एल्वियोलर वॉल्स, एल्वियोलर कैपिलरी वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या खा जाते हैं। इलास्टेज जो है वो सारा इलास्टिक टिश्यू को डाइजेस्ट कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिन इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लंग कर देता है, जिसकी वजह से एम्फाइजीमा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर सेप्टा एंड एयर वे इंस्टेबिलिटी एंड इट कॉजेज द सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। जिस तरह इसने इधर से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का ये पैथोजेनेसिस है और ये इधर से एम्फाइजीमा के पैथोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ तक समझ आई है, कोई सवाल है आपका तो पूछे, टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं आपसे पूछ के आगे चलूंगी। अब तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो प्लीज मैम एंजाइम का बता दें अल्फा वन से थोड़ा सा। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है ना बेटा, ये इलास्टेजेस को अपनी लिमिट में रखता है, यानी ये एक बैलेंस रखता है। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की वजह से इलास्टेज एंजाइम जो है ना वो अपनी एक्टिविटी को ज्यादा नहीं कर सकते, ये उनको रोक के रखता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा
तो इलास्टेज को रोकने वाला कोई नहीं होगा. इलास्टेज क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द इलास्टिक टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लंग्स. तो कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लंग को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे इलास्टेज एंजाइम्स जो हैं, जो कि न्यूट्रोफिल्स में पाए जाते हैं, जो कि वेरियस WBCs में मैक्रोफेजेस में पाए जाते हैं. तो ये जो इलास्टेज एंजाइम है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी इन द पेशेंट्स वेयर देयर इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. जहां पे ये डेफिशिएंसी नहीं होगी इलास्टेज एंजाइम अपनी लिमिट्स में रहेगा. जहां पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होगी इलास्टेज एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी. इट विल डिस्ट्रॉय द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लंग and it will cause the destruction of alveolar septa. Septa क्या है कि दो alveoli के दरमियान जो intervening दीवार होती है या connective tissue से बनी हुई, उसको alveolar septa बोलते हैं. तो ये सब चीजें connective tissue से बनी हुई है. Elastase enzyme destroy this connective tissue, ठीक है, and causes airway narrowing, air trapping, dyspnea, frequent infections, and आखिर में वो poor pulmonary hypoxemia, ये pulmonary failure, heart failure, ये last stages पे होता है, ठीक है. अच्छा, अब एम्फाइजीमा में क्या क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ एल्वियोलाई. देखिए एल्वियोलाई जो है उसके अंदर एयर आती है, लेकिन मैंने आपसे आपको बताया कि लंग कंप्लायंस हैज गॉन पुअर. लंग कंप्लायंस जो है वो पुअर हो गई है. तो लंग कंप्लायंस को मैं आपको किस तरह से समझाऊं, एक मिनट ठहरिए. ये देखें लंग कंप्लायंस जो है ना, अब आप मुझे देख सकते हैं, हमारा जो चेस्ट है ना उसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द एपी डायमीटर, ठीक है. एपी डायमीटर, एक जो नॉर्मल चेस्ट होती है उसका ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा होता है और उसका एपी डायमीटर कम होता है. लेकिन जब अर्ली एज में पेशेंट को एम्फाइजीमा हो जाता है तो लंग कंप्लायंस और लंग इलास्टिसिटी पुअर हो जाती है, तो पेशेंट का एपी डायमीटर और ट्रांसफर डायमीटर बराबर हो जाते हैं, यानी इतनी एयर एंट्रैपमेंट उसके अंदर होना शुरू हो जाती है. लंग कंप्लायंस में आपको समझाना चाहती हूँ कि नॉर्मल लंग जो है इन्फ्लेशन और जो है इनहलेशन और एक्सपरेशन में क्या करेगा, जो है वो लंग जो है इनहलेशन में फैलेगा और एक्सपायरेशन में सुकड़ेगा. इस तरह से ये जो चीज़ है लंग कंप्लायंस, सांस का जो एक आना जाना जो है एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन, वो इस तरह से है, ठीक है. तो एक नॉन कंप्लायंट लंग जो है वो इस तरह बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है, उसमें एयर एंट्रैपमेंट हो गई है, जितनी एयर अंदर जा रही है वो पूरी बाहर नहीं आ रही, ठीक है. तो लंग कंप्लायंस पूर होने का क्या मतलब है कि एयर अंदर आ रही है लेकिन उसको लंग में इतनी इलास्टिसिटी नहीं है कि वो उसको वापस बाहर धकेल सके, ठीक है. तो किस तरह पेशेंट सांस लेगा, नॉर्मल पेशेंट कैसे सांस लेगा, उसकी चेस्ट मूवमेंट्स होंगी. सिर्फ स्टर्नम पे रख के अगर आप मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान 2-5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा, ठीक है. ये डिफरेंस जो है वो हाइपर इन्फ्लेटेड एम्फाइजीमेटस लंग्स में 2 सेंटीमीटर से कम रह जाएगा, ठीक है. तो नॉर्मल लंग में जो है वो किस तरह इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ऐसे होगी, जबकि एम्फाइजीमा वाले लंग में चेस्ट डिस्टेंशन होगी, ठीक है, और चेस्ट के अंदर एयर एंट्रैपमेंट होगी और पेशेंट कैसे सांस लेगा ऐसे. उसमें इतनी जान ही नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है कि वो एयर को वापिस बाहर की तरफ धकेल सके, ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. अच्छा जी, तो इसके बाद हिस्टोलॉजी में जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ एल्वियोलाई, एयर एंट्रैपमेंट इन टू द एल्वियोलाई, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी वॉल्स, नैरो एयरवेज, लंग की इलास्टिसिटी जो है वो लॉस हो जाती है, स्मॉल ब्रोंक्यूल जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं. किस चीज़ से ऑब्स्ट्रक्ट हो गए, जैसे कि पहले जिक्र हुआ म्यूकस प्रोडक्शन से, स्मूथ मसल स्पैज़म से, और देर इज इन्फ्लामेटरी प्रोसेस गोइंग ऑन. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ना और एम्फाइजीमा, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इज गोइंग ऑन दैट लीड्स टू कोलैप्स ऑफ द ब्रोंकियल वॉल्स. ब्रोंकाई जो है वो बंद हो जाते हैं और उसमें इनहलेशन में खुल नहीं पाते. एल्वियोलाई जो है वो बंद हो जाते हैं, एल्वियोलाई जो है वो हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाते हैं और उनकी जो इंटरवीनिंग सेप्टल वॉल होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. लंग इलास्टिसिटी जो है वो पुअर होती है, देयर इज एयर एंट्रैपमेंट इनटू द लंग. अच्छा, एम्फाइजीमा इज एन एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसिस. अच्छा, ये मैंने आपसे कहा कि दो दो चार चार एल्वियोलाई जो है वो आपस में मिलकर एक बड़ी बड़ी एयर स्पेसिस, एयर स्पेसिस तो बहुत छोटी छोटी होनी चाहिए ना, ताकि जो है वो उसमें एक गैशियस एक्सचेंज और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा एक्सचेंज हो सके. लेकिन एल्वियोलाई की दरमियानी दीवार डिस्ट्रॉय हो जाती है एम्फाइजीमा में, तो बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस बन जाती हैं, और अगर ये एयर स्पेस 1 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा बने तो इसको फिर हम बुल्ला कहते हैं, ठीक है. और ये एक नॉर्मल एसिनस है,
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है एक नॉर्मल, और एल्वियोलर डक्ट है और फिर लीडिंग टू एल्वियोलाई है आगे, ठीक है, ये एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी ऑपरेटस है, ठीक है। एम्फाइजीमा डिफरेंट टाइप का होता है, सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार, डिस्टल एसिनार। सेंट्री एसिनार का क्या मतलब है कि जिसमें सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एसिनस इज डायलेटेड एंड डिजीज्ड बाय एम्फाइजीमा, ठीक है, अफेक्टेड बाय एम्फाइजीमा। पैन एसिनार का क्या मतलब होता है, सारे का सारा ही जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से आगे एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई का सारा पोर्शन जो है वो सारे का सारा ही एम्फाइजीमा का शिकार हो गया। और एक होता है डिस्टल एसिनार जिसमें सिर्फ डिस्टल पोर्शन एसिनस का जो है वो एम्फाइजीमा का शिकार होता है। बहरहाल यहाँ पे दो शो किए गए हैं, सेंट्री एसिनार जिसमें सेंट्रल पोर्शन अफेक्ट होता है, और पैन एसिनार जिसमें सारा ही पोर्शन अफेक्ट होता है। यहाँ पे एक गुल्ला की शेप भी आप देख रहे हैं, ठीक है, कि एयर स्पेसिस जो है इस तरह की लंग में बन जाती है। ये एयर स्पेस जो है वो प्लूरा में रप्चर भी कर सकती है प्लूरल स्पेस में, और प्लूरल स्पेस में एयर चली जाएगी तो न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा, जैसा कि आपने न्यूमोथोरेक्स में पढ़ा था कि सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स जो है वो सीओपीडी एस्थमा एम्फाइजीमा में होता है, ठीक है, तो ये वही फिर न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा अगर ये बुल्ला विल रप्चर इनटू द प्लूरल स्पेस। तो दिस इज अबाउट एम्फाइजीमा। अच्छा जी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या मसले हैं, दो ही मसले हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन, जो भी एयरवे की नैरोइंग होनी है, ब्रोंकोस्पैज्म होना है, म्यूकस प्लग्स जो है वो ब्रोंकाई को ऑब्स्ट्रक्ट करने हैं, वो यही चीज़ है उसमें बार बार के। म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड जो हैं उनको गॉबलेट सेल्स भी म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ट्रेकियल वॉल में म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड भी होते हैं, ये दोनों चीज़ें ही एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं। इंक्रीज इन द गॉबलेट सेल्स, increase hyperplasia of the mucus secreting glands and tracheal wall, increase in the goblet cells भी mucus बनाते हैं, disappearance of cilia, अब cilia जो बेचारे एक मासूम structure हैं, वो तो they beat towards the major bronchus के excessive secretion को clear करने के लिए, लेकिन इसमें जितनी secretion amount में बनती हैं उसको cilia clear नहीं कर सकते, so cilia भी जो हैं वो इस mucus में जो है destroy हो जाते हैं, और cilia जब नहीं रहते तो म्यूकस की जो थोड़ी बहुत क्लियरेंस हो रही होनी थी वो भी नहीं होती। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी चेंजेस जो है वो सीलिया को भी तबाह कर देते हैं, एंड दे कॉज नैरोइंग ऑफ द स्मॉल एयरवेज, ठीक है जी, और हाइपरप्लेजिया ऑफ द म्यूकस ग्लैंड ऑलरेडी मेंशन, इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग इनसाइड द ब्रोंकाई, यानी कि एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गॉबलेट सेल, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, ठीक है, और जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो थिक म्यूकस होता है, ठीक है, और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस ज्यादा तादाद में आ जाते हैं, ये भरे हुए हैं इलास्टेज एंजाइम्स से, तो ये जब अपने प्रोडक्ट डीग्रेनुलेशन इनकी होगी, जब अपनी प्रोडक्ट देंगे तो इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल ब्रोंकस एंड अ ब्रोंकस सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, कि इसमें जो है ये स्मूथ मसल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, ब्रोंकोस्पैज्म की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से स्मूथ मसल वॉल जो है वो इसकी कितनी हाइपरट्रॉफी हो गई है स्मूथ मसल वॉल की, ठीक है, और म्यूकस प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा हो गई है, और ये थिक टिनेशियस किस्म का म्यूकस है, ठीक है, जिसको सीलिया तो कभी भी नहीं निकाल सकते, तो इस तरह से इन दोनों मैकेनिज्म्स की वजह से कि म्यूकस भी ज़्यादा है और ब्रोंकियल वॉल में जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी भी हाइपरट्रॉफी हुई हुई है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो ये दोनों चीज़ें मिलके ब्रोंकियल डायमीटर को कम कर देंगी, और इस तंग ब्रोंकस में से, ब्रोंकाई में से क्या ही एयर का फ्लो होगा, तो पेशेंट विल सफर फ्रॉम ऑल द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। फीचर्स दोनों के बहुत ओवरलैप करते हैं, देयर इज ओनली अ माइनर डिफरेंस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्रॉनिक कफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन होगी, पेशेंट बार बार बड़ी बड़ी आवाजें निकाल के फ्रीक्वेंट क्लियरिंग ऑफ थ्रॉट करेगा। एम्फाइजीमा में भी क्रॉनिक कफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और एक्टिविटी लेवल जो है वो लिमिट होगा, क्योंकि एक्सरसाइज में जो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसफर चाहिए, का एक्सचेंज चाहिए एक्सरसाइज के लेवल को मेंटेन रखने के लिए, वो इतनी बर्दाश्त, इतनी ताकत इस लंग में नहीं रहती, तो फाइनल स्टेजेस पे पल्मोनरी फेलियर, लंग का फेलियर हो गया, जिसकी वजह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ये लंग बाहर नहीं निकाल पाता, पेशेंट विल सफर फ्रॉम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह रही है बॉडी के, वो एक एसिडिक गैस है, अंदर रहेगी तो एसिडोसिस करेगी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एसिडोसिस, तो इसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन भी प्रॉपर जो है गैशियस एक्सचेंज ही नहीं प्रॉपर हो रहा ना, पल्मोनरी फेलियर हो रहा है, तो ना सिर्फ ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, क्या आपने पढ़ा था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर इज COPD, यही पढ़ा था ना आपने, तो इसमें फिर COPD क्या कर रहा है, पल्मोनरी फेलियर किस तरह कर रहा है, दो काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की
एंट्रैपमेंट कर रहा है जिसको हम कहेंगे हाइपर कैपनिया, और ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्लड में लो कर रहा है जिसको हम कहेंगे हाइपोक्सिया, टू प्रॉब्लम्स। और ये दोनों चीज़ें कोमा में भी रिजल्ट हो सकती हैं, कोमा भी कर सकती हैं पेशेंट को, ठीक है। और कोई भी क्रॉनिक लंग डिजीज विल रिजल्ट इन टू पोअर पल्मोनरी राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो ये एम्फाइजीमा के क्लिनिकल फीचर्स होंगे और ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के फीचर्स होंगे जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। नाउ वी वांट टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन, हम देखना चाहते हैं कि सीओपीडी और एस्थमा में क्या डिफरेंस है। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, ये हम एंड पे पढ़ते हैं जब हम सीओपीडी एस्थमा कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करना है, सिम्टम्स से डायग्नोस करना है। जो डेफिनेशन सीओपीडी की, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, क्राइटेरिया को फुल करेगा, उसी को हम लेबल करेंगे कि वो सीओपीडी है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, अदरवाइज नॉट। तो सिम्टम्स से हमें पता चलेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन से, जैसे मैंने आपको एम्फाइजीमा में बताया कि चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो बहुत कम रह जाएगी फिजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। और आप जो है ऑस्कल्टेट करेंगे, आपको वीज सुनाई देगी। और एम्फाइजीमा में आप जो है वो परकस करेंगे तो आपको हाइपर रेजोनेंट, नॉर्मल लंग में चूंकि एयर है तो हम इंटरकॉस्टल स्पेस पे परकस करेंगे, हमें रेजोनेंट साउंड आएगी। लेकिन एम्फाइजीमा में एक्सेसिव एयर है लंग्स में तो उसमें हाइपर रेजोनेंट हमें साउंड मिलेगी। तो फिजिकल एग्जामिनेशन पे वी कैन गेट द साइंस विच विल पॉइंट टूवर्ड्स सीओपीडी। स्पूटम का सैंपल लेके उसमें देखेंगे, उसमें इओसिनोफिल्स होंगे, जो है एस्थमा में उसमें कशमैन स्पाइरल्स होंगी, आगे हम पढ़ेंगे। यानी स्पूटम सैंपल को देख के भी हम अंदाजा कर सकते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स उसमें हमें मिल सकते हैं, उसमें हमें एस्थमा के साइंस एंड सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो स्पूटम सैंपल को देख के भी हम जो है रेस्पिरेटरी डिजीज के डायग्नोसिस में हमें हेल्प मिल सकती है। चेस्ट एक्सरे जो है वो खासतौर पर करवाया जाता है जब बावजूद ट्रीटमेंट के पेशेंट ठीक ना हो रहा हो, तो चेस्ट एक्सरे कराया जाता है। कोर पल्मोनेल भी उस पर नजर आ जाता है अगर हो पेशेंट को। तो हाई रेजोल्यूशन सीटी विल क्लियर द पिक्चर के सीओपीडी है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइजीमा है, तो ये सब चीज़ें जो है वो एचआरसीटी पे नजर आ जाएंगी। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में स्पायरोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ है पीफर, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, जो कि एस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है कि वो दिन में 3-4 मरतबा उसके अंदर फुल फोर्स के साथ एक्सपायरेशन करके ब्लो करके देखें कि वो नॉब जो है वो कहाँ तक जाती है, उनका पीफर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है वो किस रेंज में जा रहा है, ठीक है। 200 से अबाव हो तो नॉर्मल है, ठीक है। तो इससे हम एस्थमा की सिवेरिटी को भी जो है वो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर में क्लासिफाई करते हैं कि वो पेशेंट जिनका पीफर जो है वो 200 या उससे अबाव होता है उनको माइल्ड एस्थमा है, जिनका 80 टू 200 के दरमियान होता है उनको मॉडरेट एस्थमा है, और जिनका पीफर जो है वो 80 या उससे कम है तो वो दे आर सफरिंग फ्रॉम सिवियर एस्थमा। तो इस तरह स्पायरोमेट्री पे पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट हम देखते हैं, FEV1 फोर्स, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन द फर्स्ट सेकेंड, ये सब चीज़ें स्पायरोमेट्री में आती हैं, इनको हम देख के तो सिवेरिटी ऑफ द डिजीज को देखते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैसेज हमें बताती हैं हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सीमिया या हाइपरकैपनिया है, जो है बेस एक्सेस है, एसिडोसिस है, ये सब चीज़ें। इसके लिए आर्टीरियल ब्लड लेके उसको मशीन में जो है वो उसको टेस्ट किया जाता है। आर्टीरियल ब्लड गैसेस सीवियर केसेस में, हॉस्पिटलाइज केसेस में किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर भी हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन बताता है, हाइपोक्सिया के बारे में बताता है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये हमें सीओपीडी के डायग्नोसिस में हेल्प आउट करती है। मेनली द डायग्नोसिस इज क्लिनिकल। अच्छा, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी डिजीज प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्योर नहीं कर सकते और ये रिवर्सिबल नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो किसी भी स्टेज पे हो सीओपीडी, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, अगर स्मोकिंग सिजेशन करेंगे, स्मोकिंग को जो है वो स्टॉप करेंगे, तो उसका फायदा पेशेंट को होगा होगा और लाजमी होगा। अवॉइड एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक। और जो पैसिव स्मोकिंग है, सीओपीडी का पेशेंट या हर नॉर्मल बंदा भी पैसिव स्मोक से भी जरूर बचे, क्योंकि उसका उसके भी नुकसान आते हैं, ठीक है। तो जो सीओपीडी का पेशेंट है उसके पास बैठ के भी कोई स्मोकिंग ना करे तो बहुत ही अच्छी बात है उसके लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिकल और जो भी पॉजिटिव एजेंट है, फार्मर्स लंग है या कोल माइन या जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, कंसिडर चेंजिंग द एरिया, सेहत से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। तो ये सब चीज़ें आपने पेशेंट से डिस्कस करनी होती है कि आपके लंग को जो नॉक्शियस केमिकल्स और नॉक्शियस पार्टिकल्स जा रहे हैं उनसे उसको बचाना, और कुछ नहीं कर सकते, मास्क ही पहन के पेशेंट बाहर निकले, ये तो कर सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, स्मोकिंग सेसेशन, अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोक और अवॉइडेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स या फ्यूम्स या इरिटेंट्स, अगर ये हम करेंगे तो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज कैन बी स्लोड डाउन। अच्छा जी, इसको हम मैनेज कर सकते हैं, इसको हम क्योर नहीं कर सकते,
डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ सिम्टम हम यूज करते हैं। उस अर्ली डायग्नोसिस का और ट्रीटमेंट शुरू कर देने का फायदा क्या होता है कि डिजीज प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो उसकी ब्रेथलेसनेस को कम से कम करने में हम कामयाब हो जाते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, इन द फॉर्म ऑफ ओरल टैबलेट्स। लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स रियर केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्रोंकोडायलेटर्स अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो उनमें फिर थियोफाइलिन टैबलेट्स का रोल आ जाता है। ये क्या करती हैं, दे रिलैक्स द स्मूथ मसल्स अराउंड द एयर वे। तो ये थियोफाइलिन टैबलेट्स जो है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करती हैं, तो जिसकी वजह से ब्रोंकाई को जो है वो ओपन करती हैं और इनका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी है। थियोग्रेड टैबलेट के नाम से ये आती हैं, इनका भी बहुत रोल है जहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर्स काम नहीं कर रहे होते। और ऑक्सीजन थेरेपी तो आपने नेजल प्रॉन्ग्स के जरिए या फेस मास्क के जरिए आपने देनी ही है जिस भी पेशेंट को हाइपोक्सिया है या उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है। ठीक है, तो दैट वॉज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ COPD। अब हम आ जाते हैं ब्रोंकियल एस्थमा पे। तो हाँ जी, any question about COPD? थक तो नहीं गए? समझ आई है COPD में कौन सी दो डिजीज होती हैं और उनको हम क्यों इकट्ठा COPD में जो है उसको इकट्ठा करके क्यों पढ़ते हैं? ठीक है जी, आगे ब्रोंकियल एस्थमा पढ़े। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शाबाश, वेरी गुड, दैट शुड बी द स्पिरिट। तो पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, पूरी दुनिया में जो लोग हैं उसमें 6%, ये बहुत ज्यादा परसेंटेज है, 6% पीपल आर एस्थमेटिक। ठीक है, और बच्चों में ये डिजीज बहुत ज्यादा होती है। कुछ कंट्रीज हैं जिनमें ये ज्यादा होती है और कुछ कंट्रीज हैं जो इससे थोड़ा बचे हुए होते हैं। ठीक है, इट्स अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग। रिलैप्सिंग का क्या मतलब है, बार बार इसके एपिसोड या इसकी एग्जासर्बेशन आती हैं। इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, देर इज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ठीक है, और इसमें मसला क्या होता है, द ब्रोंकाई द ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री इज हाइपर एक्टिव, हाइपर रिस्पॉन्सिव। मसला ये है कि एक आम पेशेंट जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं है, उसको किसी एलर्जन का एक्सपोजर होएगा, उसके ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन एस्थमेटिक पेशेंट का ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करेगा और हाइपर एक्टिव जो है वो होगा ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। और ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है और ये रिलैप्सिंग इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, ये बार बार इसके एग्जासर्बेशन कह लें, अटैक कह लें, ये बार बार आते हैं और पेशेंट जो है वो इसको भी क्योर नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी ईजिली ट्रीटेबल, इट कैन बी ट्रीटेड ईजिली। अगर आप अपने फिजिशियन की हिदायत पर पूरी तरह अमल करें तो आप एस्थमा के साथ एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। एस्थमा के लिए इतनी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं, इवन प्रेगनेंसी में भी इसकी डोज के ऊपर कोई जो है वो रेंज नहीं है कि इससे ऊपर डोज नहीं देनी और इससे ना, उतनी डोज देनी है जिससे पेशेंट कंफर्टेबल है। प्रेगनेंसी में भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है किसी जो है एस्थमा की, मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन जो है दे कैन बी इवन टेकन इन टू द प्रेगनेंसी, यानी कि कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है खास जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो हम दे नहीं सकते या कुछ भी ऐसा, और इसकी बड़ी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो वी कैन से दैट एस्थमा कैन बी ट्रीटेड इजीली, इट इज़ नॉट क्योरेबल बट इट कैन बी ट्रीटेड इजीली। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक्सट्रिंसिक एस्थमा और इंट्रिंसिक एस्थमा। एक्सट्रिंसिक एस्थमा को हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है, इसको अर्ली ऑनसेट या एटॉपिक एस्थमा भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये बच्चों में होता है तो इसलिए इसको अर्ली ऑनसेट कह देते हैं, और ये एलर्जिक डिसऑर्डर्स दूसरे भी इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि आपको मैंने हमेशा बताया है एक ऑटोम्यून डिजीज पेशेंट को होगी और भी उसमें मिल सकती है, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, एक के साथ एक फ्री। एलर्जिक डिसऑर्डर पेशेंट को होगा तो एस्थमा क्या है, एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। एस्थमा इज अ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, तो अगर इट्स अ टाइप ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर, तो अगर एक एलर्जिक डिसऑर्डर है यानी कि एस्थमा है, तो पेशेंट को एलर्जिक रिनाइटिस और एक्जिमा जो कि स्किन का एलर्जिक डिसऑर्डर है ये भी हो सकते हैं, हे फीवर भी हो सकता है, यानी अदर एलर्जिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री भी आपको पेशेंट में मिल सकती है। ठीक है, और इसको अर्ली ऑनसेट एस्थमा भी कहते हैं, एपिसोडिक एस्थमा भी कहते हैं, एटॉपिक एस्थमा भी कहते हैं। एटॉपिक का क्या मतलब होता है, वो इंडिविजुअल्स जो बहुत जल्दी IgE एंटीबॉडीज बना देते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं एटॉपिक इंडिविजुअल्स, कि ये वो इंडिविजुअल्स हैं IgE एंटीबॉडीज बहुत जल्दी बना देते हैं। IgE एंटीबॉडीज किस में बनती हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन में और एलर्जिक डिसऑर्डर्स में। ये दो इंडिकेशंस पेट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट हैं, जिनमें कि IgE
इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज बहुत जल्दी बन जाती हैं पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जिक डिसऑर्डर्स. सो इट अकर्स एक्सट्रिंसिक एस्थमा. एक्सट्रिंसिक इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्टिमुलस है वो बाहर से आता है. बाहर से कहाँ से आता है, एनिमल डेंडर. इसका क्या मतलब है, बिल्ली और डॉग वगैरह के जो बाल होते हैं, खरगोश के जो बाल होते हैं, एनिमल के फेदर, फंगल स्पोर्स, पोलन, सीजनल चेंजेस, ठीक है, कोल्ड एयर, और जो है वो बीटा ब्लॉकर एस्पिरिन ज़्यादातर वो इंट्रिंसिक एस्थमा में होते हैं. बहरहाल इसका भी वो कर सकते हैं. तो ये सारे जो इसके अलावा खाने में मुख्तलिफ किस्म के एलर्जेंस, ठीक है, मिल्क से, एग से, फिश से, यीस्ट से, मीट से, इसमें से किसी चीज़ में से, वीट से, यीस्ट से, किसी चीज़ से पेशेंट एलर्जिक हो सकता है, एस्थमा का पेशेंट. तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा एलर्जन है जिससे पेशेंट एलर्जिक है, तो उसको आपने हमेशा अवॉइड करना है, ठीक है. अगर एग से है उसको, फिश से है, मिल्क से है, इसमें से अगर कोई भी इस लिस्ट में से आपको कोई एलर्जन जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट इस चीज़ को जब एक्सपोज होता है ना, तो वो फिर एस्थमा का अटैक होता है उसको, तो इन चीज़ों को फिर अवॉइड करना है. सो एक्सट्रिंसिक एस्थमा, अर्ली ऑनसेट एस्थमा अकर्स इन चाइल्डहुड इन एटॉपिक इंडिविजुअल. व्हाट इज एटॉपिक, द इंडिविजुअल्स हु रेडिली जल्दी से बना देते हैं आईजीई एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू द कॉमन मटीरियल्स इन एनवायरनमेंट, ठीक है. तो उसके लिए पेशेंट के लिए ये एंटीजन बन जाती हैं, ये इरिटेंट बन जाती हैं. वो क्या हो सकते हैं, पोलन, हाउस डस्ट, एनिमल फेदर, एनिमल डेंडर, कहीं डेंडर लिखा हुआ है, ये डेंजर लिखा हुआ है, ये डेंडर है, डेंडर, फंगल स्पोर्स एंड इंजेस्टेड एलर्जेंस, फॉर एग्जाम्पल हमारे एवरीडे इडिबल्स में हो सकता है. अदर एलर्जिक कंडीशंस की हिस्ट्री, इसमें हम फैमिली हिस्ट्री देखेंगे वो पॉजिटिव निकलेगी. पेशेंट के जी दादा को अस्थमा था, पेशेंट की जी फूफो को अस्थमा था, पेशेंट के जी बहन भाइयों में से किसी को अस्थमा है, तो इस तरह फैमिली हिस्ट्री इसमें एक्सट्रिंसिक अस्थमा में हमें पॉजिटिव मिलेगी. हम एलर्जी का स्किन टेस्ट करेंगे वो पॉजिटिव मिलेगा, हम आई जी एंटीबॉडीज का लेवल करेंगे वो हमें ज़्यादा मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक अस्थमा या एटॉपिक अस्थमा, जबकि ये सारी चीज़ें इंट्रिंसिक अस्थमा में दूसरी टाइप में नहीं मिलेंगी. तो इंट्रिंसिक एस्थमा का जो इरिटेंट जो है चेन ऑफ इवेंट वो इंटरनल स्टिमुलस से आती है. वो कैसे, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लेट ऑनसेट या क्रॉनिक या नॉन एटॉपिक या इंट्रिंसिक एस्थमा, ठीक है. इट अकर्स मोस्टली इन एडल्ट्स. एक्सटर्नल एलर्जेंस जो है उनका रोल नहीं होता, लेकिन एक मसला ये है कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स एंड ब्रोंकियल सिक्रीशंस दे आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम. तो आपको पता है कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रोंकोडायलेटेशन एंड नंबर ऑफ सिक्रीशंस को जो है क्वांटिटी ऑफ सिक्रीशंस को कम करता है, और आपको पता है कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिवेशन है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करती है और इंक्रीज सिक्रीशन करती है, ठीक है. तो इसमें जो एक्सपोजर टू डिफरेंट पॉजिटिव एजेंट्स यानी कोल्ड, एक्सरसाइज, एस्पिरिन, इमोशंस, एयर पोल्यूशन, तो ये भी बाहर से चीज़ें रही हैं, लेकिन ये खुद एस्थमा का अटैक नहीं करती, ये पैरासिम्पथेटिक नर्व्स को एक्टिवेट कर देती हैं. यानी हर वो चीज़ जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी, एक्टिवेट करेगी, दैट विल लीड टू ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशंस, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एन अटैक ऑफ एस्थमा इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इंट्रिंसिक एस्थमा. यानी पॉजिटिव एजेंट इसका भी बाहर से ही आता है, लेकिन वो खुद नहीं करता, वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन होती है, दैट कॉजेज एन एस्थमा अटैक. तो ये एएनएस को कंट्रोल करने वाली चीज़ों से जो है वो प्रेसिपिटेट होता है. एस्थमा को डायग्नोज कैसे करेंगे, ये चीज़ें आपको जिस पेशेंट में मिले आप एस्थमा के बारे में ज़रूर सोचें. ट्रबल्सम कफ, ऐसी कफ जो कफ सिरप को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, महीना हो गया है, 20 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, पेशेंट कफ 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 ही करता जाता है, ख़ासतौर पर नाइट में या अर्ली मॉर्निंग तो बहुत कफ करता है, और कई दफ़ा तो वो सुबह सुबह कफ करते हुए ही उठता है, तो ऐसी कफ तो नॉर्मल नहीं हो सकती, तो एस्थमा के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए. इसके अलावा उस कफ के साथ वीज, ठीक है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में सीटी के जैसी साउंड भी सुनाई दे सकती है, जो कि बाहर खड़े हुए मरीज को, ये नहीं कि ऑस्कल्टेशन पे, बाहर खड़े हुए अटेंडेंट को सुनाई दे रही है. जो है खासतौर पे फिजिकल एक्टिविटी जब पेशेंट करता है तो उस वक्त कफिंग और वीजिंग पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है. अच्छा, उसके बाद जब सर्दियां आती हैं तो जरूर ही उसने बीमार होना होता है और उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है. उसके बाद कफिंग, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, और म्यूकस इसमें थिक और टिनेशियस इतना प्रोड्यूस होता है कि पेशेंट के लिए उसको क्लियर करना मुहाल होता है.
ठीक है, और ऐसे राइनाइटिस है या नज़ला हुआ पेशेंट को तो उसमें वो ठीक ही नहीं हो रहा, 10 दिन गुजर गए हैं, तो ऐसा कौन सा राइनाइटिस है जो 10-10 दिन 15-15 दिन रहता है, तो भी जो है वो एलर्जिक डिसऑर्डर अस्थमा के बारे में ज़रूर सोचें रिलीफ। अच्छा, इस तरह के पेशेंट को जिसको ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपने इनहेलर दिया, ब्रोंकोडाइलेटर दिया, अस्थमा की कोई मेडिकेशन दी, मरीज ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि अस्थमा था, ठीक है। तो जिसमें इस तरह की चीजें हो, कफिंग हो, वीजिंग हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, खास तौर पे सीजनल चेंजेस हो, कफिंग, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस हो, खास तौर पे एलर्जन एक्सपोजर के बाद, तो आप जरूर ऐसे पेशेंट भी अस्थमा को कंसिडर करें और उसके लिए जो है वो फिजिशियन से कंसल्ट करें। अच्छा, इनहेलर हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग यूज़ करते हैं, इसलिए उसका यूज करने का प्रॉपर तरीका हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट जो है आप उसको किस तरह से इंस्ट्रक्ट करेंगे, आप उसे कहेंगे कि आप इनहेलर किस तरह इस्तेमाल करते हैं, मेरे सामने इस्तेमाल करके मुझे दिखाएं, तो फिर वो जैसे भी इस्तेमाल करके आपको दिखाएगा, हो सकता है उसे बिल्कुल ठीक इस्तेमाल करना आता हो, बस पेशेंट बहुत समझदार होते हैं, और हो सकता है कि अगर उसको नहीं आता तो आप उसे गाइड कर सकते हैं कि वो खड़ा हो जाए और इनहेलर को शेक करे, ताकि जो है वो मेडिसिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसके अंदर अच्छी सी मिस्ट बन जाए, ठीक है, जिसको हमने इनहेल करना है, तो इनहेलर को हल्का सा शेक करे, स्टैंड अप हो जाए और पहले अच्छा सा सांस बाहर निकाले, और उसके बाद सांस आहिस्ता से अंदर लेते हुए सेम टाइम इनहेलर को वो पुश करेगा उसके बटन को, या तो उस वक्त उसका बिल्कुल माउथ के साथ टच किया हुआ होगा उसकी ओपनिंग इनहेलर की, या फिर थोड़ा सा फासला भी हो सकता है, तो पुट द इनहेलर इन योर माउथ और पुट इट जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, एज यू स्टार्ट टू ब्रेथ इन पुश डाउन ऑन द टॉप ऑफ द इनहेलर एंड कीप ब्रीदिंग इन स्लोली, और ब्रेथ इन करके 10 सेकेंड के लिए पेशेंट अंदर ही अपने ब्रेथ को होल्ड करे, ताकि जो मेडिकेशन है वो सारी डिफ्यूज हो जाए इनटू द ट्रेकियो, सारे ट्रेकिया और जो है वो ब्रोंकाई में और एल्वियोलाई में, सारा ब्लड में सारा जो है लोकल उसका अफेक्ट हो जाए। ये इसी तरह है जिस तरह हम किसी बॉयल के ऊपर, फोड़े फिंसी के ऊपर पायोडीन लगाते हैं, स्पिरिट लगाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो ये बिल्कुल इसी तरह लोकल मेडिकेशन जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे पहुँच जाती है, और पेशेंट जो है वो 10 सेकेंड तक अपना ब्रेथ जो है वो अंदर होल्ड रखने की कोशिश करें, ताकि मेडिकेशन अच्छी तरह डिफ्यूज़ हो जाए और फिर ब्रेथ आउट करें। तो इस तरह ये प्रॉपर तरीका है इनहेलर यूज करने का। हियर यू कैन सी क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल ब्रोंकस एंड अ ब्रोंकस ड्यूरिंग एन अस्थमा अटैक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स जो हैं वो ब्रोंकियल वॉल में पाए जाते हैं, और अस्थमा के अटैक में इनकी ये कर जाते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्रोंकियल डायमीटर कम हो जाता है, रही सही कसर म्यूकस प्लग्स पूरी कर देते हैं। यहाँ पे आप म्यूकस की कितनी थिन लेयर है कि आपको नज़र भी नहीं आ रही, और यहाँ पे देखें कि म्यूकस प्लग्स कितने बड़े बड़े जो हैं वो रही सही जो डायमीटर ब्रोंकाई का ओपन अप होता भी है उसको म्यूकस जो है वो ब्लॉक कर देता है, और जो है वो इसका ब्रोंकियल वॉल जो है कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से कितनी मोटी हो जाती है और ब्रोंकियल डायमीटर जो है वो कम हो जाता है। तो ये नॉर्मल ब्रोंकस और अस्थमा अटैक के दौरान जो ब्रोंकस की हालत, ब्रोंकाई की हालत होती है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये एलर्जन हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से एलर्जन हैं, और ख़ास तौर पे मेंशन करने वाली बात ये है कि COPD और अस्थमा के पेशेंट को जब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उस वक्त तो उसकी बहुत ही बुरी हालत होती है ना, फिर तो उसको COPD की एग्जासर्बेशन या अस्थमा की एग्जासर्बेशन ज़रूर होती है, और जब तक प्रॉपर एंटीबायोटिक कवर नहीं उसको मिलता पेशेंट ठीक नहीं होता। पैथोफिजियोलॉजी में रिस्क फैक्टर्स यानी एलर्जेंस की वजह से दे स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, IgE एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट कर देते हैं अस्थमा में, और IgE एंटीबॉडीज जो है वो बी लिम्फोसाइट्स को आगे से स्टिमुलेट कर जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो है वो मास्ट सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और मास्ट सेल जो है वो डीग्रेनुलेट होकर अपने प्रोडक्ट्स जो कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो निकाल देते हैं, इनमें हिस्टामिन ज़्यादा ही काबिल जिक्र है जो बहुत डैमेज करती है, बड़ी क्वान्टिटी में निकलती है, और हिस्टामिन जो है वो क्या काम करती है, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, तो एयरवे जो है उसमें म्यूकस सिक्रीशन और इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये दो चीज़ें आ जाएंगी विच विल कॉज एयरवे रिमॉडलिंग, यानी कि एयरवे डायमीटर विल बिकम लेस एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा विल रिजल्ट। अच्छा, पैथोजेनेसिस ऑफ एटॉपिक अस्थमा, तो इसमें एटॉपिक अस्थमा जो है यानी कि जिसमें IgE एंटीबॉडीज का रोल है, उसके दो फेजेस होते हैं, एक्यूट रिस्पॉन्स और लेट फेज रिस्पॉन्स। एक्यूट रिस्पॉन्स जो है वो विद इन मिनट्स आ जाता है, और लेट फेज रिएक्शन जो है वो 4-8 आवर्स में आता है, और इनिशियली जो है एंटीजन आके क्या करती है, इट विल स्टिमुलेट द TH2
type T cells and the Th2 type T cells produce cytokines. कौन सी cytokines? Interleukin 4, 5 and 13 ज्यादा quantity में produce होते हैं. तो ये काम किस में होता है? Acute phase response में. यहाँ पे भी acute phase response ही discuss हो रहा है कि पहले 30 to 60 आधे घंटे के अंदर अंदर यानी within minutes आधे घंटे के अंदर अंदर ये शुरू हो जाता है inhalation of antigen के बाद. और मेनली इसमें ये बात है कि मास्ट सेल डिग्रेडेशन होती है. तो मास्ट सेल डिग्रेडेशन जब होती है तो ये अपने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स देता है. कौन कौन से? ल्यूकोट्राइन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, हिस्टामिन है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, मास्ट सेल ट्रिप्टेज है. कोई इनके देख के इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है. जितना आपसे याद हो कर लें, कोई बहुत इसको जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली दीज आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर बट इट इज जस्ट टू शो यू पीपल कि एस्थमा में कौन कौन से एलर्जिक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो ट्रेकिया ब्रोंकियल ट्री में चल रहे होते हैं. तो ये सारे मीडिएटर्स इन द एंड करते क्या हैं? ब्रोंकोस्पैज्म और वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाने का क्या मतलब है कि एक मिनट बेटा अच्छा जी. तो ये सारे जो मीडिएटर्स हैं दे विल कम एंड दे विल कॉज ब्रोंकोस्पैज्म, डिक्रीज्ड जो है डायमीटर ऑफ द ब्रोंकाई, वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है दैट विल कम आउट एंड दैट विल इंक्रीज द म्यूकस प्रोडक्शन एंड दैट विल कॉज म्यूकोजल ब्रोंकियल वॉल एडीमा. ठीक है. इसके अलावा लेट फेज रिएक्शन में मेनली जो है वो ल्यूकोसाइट्स का रोल है. रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी ल्यूकोसाइट्स निकल के आ जाएंगे. ल्यूकोसाइट्स का क्या मतलब? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स. तो उनके अंदर भी इंटरल्यूकिंस होती हैं और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है. और ये सब मिलके भी क्या करती हैं? स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, ब्रोंकियल वॉल एडीमा, यही सब कुछ करती हैं. ठीक है. और लेट फेज रिस्पॉन्स में ज्यादा से ज्यादा मीडिएटर्स आते हैं. अब मजीद नया एंटीजन या एलर्जन बाहर से आने की जरूरत ही नहीं है. इतना चेन ऑफ इवेंट चल गया है कि ये सारी चीजें ही एस्थमा के अटैक को सस्टेन रखने के लिए काफी हैं. ठीक है. इओसिनोफिल्स भी बहुत सारी मेजर बेसिक प्रोटीन और इओसिनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन और बहुत कुछ बनाती है. परऑक्सीडेज बड़े स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं विच आर टॉक्सिक टू द एपिथेलियल सेल्स. इसलिए आप एस्थमा के पेशेंट की एपिथेलियम देखें वो बिल्कुल उड़ चुकी होती है. आगे हम देखते हैं. दीज एम्पलीफाई एंड सस्टेन द इंजरी विदाउट एडिशनल एंटीजन. अब नई एंटीजन की जरूरत ही नहीं है. ये जो सारी मुसीबतें निकल आई हैं दे विल सस्टेन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्थमा में कितना ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होके गॉबलेट सेल्स ने कितना म्यूकस प्रोड्यूस करके तो उसकी एपिथीलियम का हाल क्या हुआ है. नॉर्मल एपिथीलियम यहाँ पे देखें किस तरह की होती है, नॉर्मल एपिथीलियम यहाँ पे देखें किस तरह की होती है और ये एपिथीलियम का क्या हाल हुआ है क्योंकि उसके लिए टॉक्सिक फैक्टर्स बहुत ज्यादा निकले हैं. और ये नॉर्मल एयर वे है और ये एस्थमेटिक पेशेंट का एयर वे है. और जो है वो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि पेशेंट की जो है वो नॉन एटोपिक एस्थमा में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं होगी. सीरम आईजीई लेवल्स कराएंगे आप वो नॉर्मल होंगे. कोई साथ में एलर्जीज की पेशेंट भी हिस्ट्री नहीं होगी. स्किन टेस्ट आप एलर्जी का करेंगे वो नेगेटिव होगा. और हाइपर इरिटेबिलिटी ऑफ ब्रोंकियल ट्री तो होगा ही. और नॉन एटोपिक एस्थमा की दो टाइप्स हैं, ड्रग इंड्यूस्ड एंड ऑक्यूपेशनल एस्थमा या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा भी इसमें आता है जिसमें सिर्फ पेशेंट को एक्सरसाइज के बाद एस्थमा का अटैक होता है, उसके अलावा पेशेंट ठीक रहता है. ड्रग्स कौन सी? हमेशा याद रखें एस्पिरिन एंड बीटा ब्लॉकर. एस्पिरिन एंड बीटा ब्लॉकर बोथ ऑफ दीज कॉज जो है वो एस्थमा अटैक कॉज कर सकते हैं. इसलिए एस्थमेटिक पेशेंट में एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं. हियर यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल ब्रोंकियल वॉल एंड अ ब्रोंकियल वॉल इन ब्रोंकियल एस्थमा. जब ये तो खासतौर पे अटैक वाली वॉल है ना ब्रोंकियल जो है जब एस्थमा का अटैक हुआ है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एपिथीलियम ये किस तरह की है और यहाँ पे गॉबलेट सेल्स कितने ज्यादा है, म्यूकस प्रोडक्शन थिक टेनेशियस म्यूकस कितना ज्यादा है, इओसिनोफिल्स आजादाना फिर रहे हैं यहाँ पे. और मैक्रोफेजेस देखें यहाँ दोनों में कितना डिफरेंस है. यहाँ चंद एक मैक्रोफेजेस पड़े हैं, यहाँ पे इतने ज्यादा मैक्रोफेजेस हैं. स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी हुई भी है. यहाँ स्मूथ मसल एक लाइन बनी हुई है सिर्फ इनकी और यहाँ इतने ज्यादा स्मूथ मसल्स हैं. ठीक है. तो इसका डायमीटर क्या रह जाएगा? ये तो वॉल खुद ही इतनी थिक हो गई है. और फिर सब म्यूकोजा में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स कितने ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल.
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एस्थमेटिक एयरवे. फिर आप एस्थमेटिक पेशेंट का जो है म्यूकस अगर उसको देखें, उसमें करश्मैन स्पाइरल्स हमें मिलते हैं विच आर द बेसोफिलिक प्लग्स ऑफ म्यूकस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बनते हैं और ब्रोंकियल वॉशिंग्स पे या पेशेंट के स्पूटम एग्जामिनेशन पे हमें ये करश्मैन स्पाइरल्स जो हैं वो मिलने देखने को मिल सकते हैं, जो कि एस्थमा को इंडिकेट करेंगे कि एस्थमा है पेशेंट को. तो क्लासिकल एस्थमा अटैक में पेशेंट हाउ ही और शी विल प्रेजेंट डिस्निया जो कि परसिस्टेंट होगा और बार बार कफ, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, डिफिकल्ट एक्सपायरेशन. और स्टेटस एस्थमेटिकस क्या है कि ऐसा अटैक जो ठीक हो गई नहीं दे रहा, ठीक है, पेशेंट को स्टेटस एस्थमेटिकस किसी भी मेडिकेशन से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो ऐसे में पेशेंट को जीए भी देना पड़ सकता है. इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग अटैक ऑफ एस्थमा, उसको स्टेटस एस्थमेटिकस बोलते हैं. एस्थमा मे प्रोग्रेस टू एम्फाइजीमा, एस्थमा जो है वो पेशेंट में एम्फाइजीमा भी कर सकता है, ठीक है जी. और स्पायरोमेट्री का मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग, अदर पल्मोनरी टेस्टिंग, इनका ज़्यादा जो है एस्थमा का जो है वो डायग्नोसिस वो क्लिनिकल होता है. एक्सरे, एबीजीज, ये एडमिटेड पेशेंट में खासतौर पे एक्सरे कब करवाते हैं, जब आप अच्छा जी, तो एक एस्थमा का पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइज है, उसको सीवियर एक्यूट अटैक है एस्थमा का, इन स्पाइट ऑफ गिविंग एवरी पॉसिबल ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन, ब्रोंकोडायलेटर, ये वो मरीज ठीक नहीं होके दे रहा, तो आप क्या करेंगे, आप उसका एक्सरे कराएंगे, आप ये देखना चाहते हैं कि पेशेंट का कोई बुला रप्चर होके उसको न्यूमोथॉरिक्स तो नहीं हो गया, फिर भी तो ब्रेथलेसनेस उसकी सही नहीं ना होनी जब तक कि न्यूमोथॉरिक्स का कोई इंतजाम ना कर लिया जाए, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, इसके लिए भी आपने पेशेंट को देखना है. बहरहाल मेनली जो है वो डायग्नोसिस वो क्लिनिकल ही है. अच्छा, बिल्कुल सीओपीडी वाली ही मैनेजमेंट है. बीटा टू एगोनिस्ट जो है वो बीटा टू एगोनिस्ट शॉर्ट एक्टिंग भी होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं, और शॉर्ट एक्टिंग जो होते हैं वो 4 to 8 hours तक उनका अफेक्ट रहता है, विद इन मिनट्स दे वर्क, वेंडोलिन इनहेलर सबको पता है. लेकिन अगर इनको पेशेंट जो है वो जरूरत से ज़्यादा लेगा, पेशेंट कैन एक्सपीरियंस ट्रेमर, एंजाइटी, टैकीकार्डिया, वही जो सिंपथेटिक स्टिमुलेशन के, एक्सेसिव सिंपथेटिक स्टिमुलेशन के वो होते हैं साइन एंड सिम्टम्स. लेकिन ये साइन एंड सिम्टम्स प्रैक्टिकली होते नहीं है, क्योंकि 2 to 4 पफ्स डेली लेने हैं, अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो फिर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड साथ ऐड कर दिए जाते हैं, तो इसलिए ये साइड इफेक्ट्स जो है मैंने तो कभी नहीं देखे, एनी हाउ इसमें लेक्चर में थे तो मैंने इनको नहीं निकाला. बहरहाल अगर पेशेंट ज़्यादा टू मच यूज़ करेगा तो इट कैन कॉज द फॉलोइंग साइड इफेक्ट. और इसके अलावा कॉन्टिन्यूस बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, नेबुलाइजर, अगर एक्यूट अटैक है पेशेंट को नेबुलाइजर में डाल के वेंटोलिन भी दी जा सकती है, जैसे कि हॉस्पिटल सेटिंग में दी जाती है. इसके अलावा अगर ब्रोंकोडायलेटर्स इफेक्टिव नहीं है, थियोग्रेट टैबलेट भी पेशेंट को डाला जा सकता है, दैट विल रिलैक्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल एंड इट हैव द एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स एज वेल. स्टीरॉयड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर लॉन्ग टर्म देने हैं तो हम इनहेल्ड स्टीरॉयड देंगे, ताकि जहाँ चाहिए इफेक्ट वहीं पर हमें जो है इफेक्ट मिले, पूरी बॉडी स्टीरॉयड्स के इफेक्ट में ना आए. लेकिन जब एस्थमा अटैक होता है तो पेशेंट को आईवी स्टीरॉयड दिए जाते हैं, क्योंकि इस उस वक्त ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो है, ब्रोंकियल वॉल जो है, उसमें इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है कि हम जो है वो हमें आईवी स्टीरॉयड देने पड़ते हैं, और फिर हमें ओरल पे भी पेशेंट को कुछ अरसे के लिए डालना पड़ सकता है ओरल स्टीरॉयड्स पे. तो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हम इनहेलर की फॉर्म में देंगे, लोकल स्टीरॉयड्स देंगे, और जो है वो हमें एग्जासर्बेशन को और एक्यूट अटैक्स को मैनेज करने के लिए जो है वो हम ओरल या आईवी स्टीरॉयड देंगे. तो दैट वॉज ऑल अबाउट सीओपीडी एंड एस्थमा. एनी क्वेश्चन जी बेटा, कोई सवाल है तो पूछें. बहुत शुक्रिया आप लेक्चर के लिए आए, और अब जुमेरात को आपका एक लेक्चर होगा, और अगर आप विलिंग हो तो कल, अब आपके 2 lectures रह गए हैं, एक जो है वो जीआईटी का है और एक माइक्रोबायोलॉजी का है. अगर आप लोग मुझे मेल करेंगे तो मैं कल शाम को 5 PM भी आपका एक मेकअप लेक्चर ले लूंगी, इस तरह जुमेरात को आपका कोर्स खत्म हो जाएगा. अगर आप विलिंग नहीं है, आपको कोई काम है, तो आप जो है वो मुझे मेल कर दें, फिर हम जुमेरात को एक लेक्चर ले लेंगे और फिर मंडे को लेके आपका कोर्स खत्म कर देंगे. अब आप जिस तरह से कल ही ले लें, कल ले लूं,
मैम ले लें कल, क्योंकि वाइवा स्टार्ट हो गया है, एसएससी के वाइवा वगैरह की तैयारी करनी है आगे। मैं यही कह रही हूं कि मैं आपको फारिग कर दूं, जो है वो आप इसको इसकी रिकॉर्डिंग में अभी आप कल ले लें आप, ताकि हम फिर आगे अपने वाइवा से शाम 4 या 5 बजे आई विल कांटेक्ट यू पीपल, बेस्ट ऑफ लक इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। एक और चीज, मेरे क्विज के मार्क्स नहीं लगे अभी तक, मैंने आपको दोबारा मेल भी किया है क्विज अपने। यस मैम, आप ऐसा कीजिए प्लीज, आप ना सुबह आ जाइएगा वहाँ पे। एक्चुअली अक्सर मैं जब घर से लेक्चर ले रही होती हूँ तब आप मुझे कहते हैं और मेरे पास जी पोर्टल नहीं होता, अदरवाइज सुबह आपके ऑफिस आ जाऊंगा। जी जी प्लीज, आप या खुद आ जाइए या आप किसी को भेज दें, क्योंकि जी पोर्टल आपको पता है। जी ठीक है, जी बेटा पूछिए। मैम जो हमने असाइनमेंट सैंपल पे भेजी थी, सारी असाइनमेंट तो उसके अंदर सॉल्व हुई हुई है, तो हम अगर लिखेंगे भी तो वो चीजें वो तो सारी वही रहेंगे उसके अंदर जो हमने सैंपल में भेजी। बेटा मेरी तरफ से तुम वही लिख दो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें इन चारों ट्रीटमेंट का, चारों डिजीज का ट्रीटमेंट आपको अच्छा सा आए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहती हूँ कि बस आप ये लिखें बैठ के, और वो तो आप डॉक्टर उस्मान आज को दुआएं दें जो मेरे पास बैठी थी असाइनमेंट देते हुए। मैं तो अभी 3-4 और चीजों का मैनेजमेंट दे रही थी आपको, मुझे तो बहुत शौक है आपको लंबी सी असाइनमेंट देने का, ताकि आप बैठ के उसको लिखें और आपको याद हो जाए। ठीक है, तो 4 डिजीजेस बस मैंने आपको दी हैं, और आपने पढ़ा होगा कि राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो आपने सिर्फ मैनेजमेंट लिखनी है, सिर्फ ट्रीटमेंट लिखनी है, ट्रीटमेंट। ठीक है, मैंने आपको इसलिए दिया कि देखें बच्चे इस तरह डिटेल्ड फिगर्स के साथ और अच्छी अच्छी असाइनमेंट बनाते हैं। अब माइंड ना कीजिएगा, अगर आप 5 से 3 सफ़ों की असाइनमेंट बना के मुझे दे दें और आप मुझे कहें कि 10 में से 9 नंबर तो होने ही चाहिए, तो बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैम लाइक उसके अंदर तो सारी उसकी टाइप्स भी और उसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स वगैरह सब कुछ था, तो हम सब कुछ उसके अंदर। हो सकता है कि वो कोई डिफरेंट असाइनमेंट हो, लेकिन ये जस्ट आपको बताने के लिए थी कि लोग कैसे मेहनत से असाइनमेंट बनाते हैं, इसलिए बेटा उन्हें पूरे मार्क्स मिलते हैं। बहरहाल मैंने आपसे सिर्फ ट्रीटमेंट लिखने के लिए कहा है, अदर देन ट्रीटमेंट आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे सिर्फ आपसे ट्रीटमेंट ही चाहिए, जो जितनी अच्छी लिखेगा उसे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है मैम, ओके। मुझे पता है ये थोड़ी ब्रीफ असाइनमेंट है, बट आई रिक्वायर ओनली ट्रीटमेंट फ्रॉम यू पीपल, नथिंग एल्स। मैम हमारे पास 2 लेक्चर रह गए हैं, कल का और थर्सडे का। कल का और जुमेरात को आपका कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। ठीक है, कल भी मैं शाम 4 से 5 बजे आपसे रابطہ करूंगी। ठीक है मैम, वाइवा की कंफर्म डेट कोई? वाइवा तुम लोग पहले वाइवा में क्लैशेस 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 कर रहे हो, तो पहले दूसरों के वाइवा तो दे लो, फिर ही मैं लूंगी ना। नहीं मैम, ये ना ना हो कि उन वाइवास के बीच में अचानक पैथो कभी आ जाए, तो फिर ये सारी बात डिस्कस हो चुकी है। आप प्लीज अपने ऐसे किसी क्लास फेलो से पूछ लो जिसने शुरू में ज्वाइन किया था, नाइला। ठीक है। यस मैम, मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो शायद मैं वो कर सकती। स्टार्ट में डिस्कस हो चुके, आप प्लीज कोई बच्चा जो है नाइला को फीडबैक दे दें प्लीज। ठीक है, ग्रुप में डिस्कशन कर लें। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।